सो गाइस ये एकदम शरीर के लिए एकदम बेनिफिशियल होता है चाव। 30 अरे ये दोस्तों छोटा पैक बड़ा धमाका 30 ये क्या है लंदा है कि सल्फी है लंदा खोल के दिखाओ ना। सो गाइस ये है लंदा जो कि दिखाओ। व्हाट्स अप एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल बस्तर आइडियल ब्लॉग। दोस्तों आज हम फिर से एक बार एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ग्रामीण एरिया को, एक ग्राम एरिया को जिस विलेज का नाम है फावड़ा। और दोस्तों ये जो विलेज आता है एक कोंडागांव जिला के अंतर्गत आता है और इसका ब्लॉक जो है प्लस गाँव है। दोस्तों कोंडागांव से दूरी की बात करें तो 35+ किलोमीटर है। आज इसी ग्रामीण एरिया का एक्सप्लोर करने वाले क्या कुछ इस ट्राइबल एरिया में देखने को मिलता है, क्या कुछ यहाँ के लोग वेट मिलाते हैं, क्या कितने दूर से आते हैं, क्या कैनेडर चौले वाले कितना क्या बोलना चाहिए, कितने ग्रामीण यहाँ पे आते हैं, सब कुछ दिखाने वाला आज की इस ब्लॉग में। बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं आज का ग्रामीण एरिया फावड़ा विलेज को। चलिए दोस्तों भाई साहब उधर कांदा लगा हुआ है, चलो पहले आपको कांदा दिखाता हूँ। 70 रुपए का है। सो गाइस ये है 10 रुपए का, उबला हुआ है, इसका सब्जी बनती है, काफी बड़ी होती है, समझ जाने के लिए उपयोग करते हैं आप, सब्जी बनाने के लिए भी कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस ये देख सकते हो का बाजार का सीन, काफी दूर दूर से आते हैं मार्केट करने के लिए, कुछ लोग दुकान करने आते हैं और कुछ लोग अपना सामान खरीद के ले जाते हैं क्योंकि साप्ताहिक बाजार होता है, एक हफ्ता में एक बार लगता है, तो काफी सारे दूर दूर से लोग आते हैं और सप्ताह भर के लिए सामान खरीद के ले जाते हैं और कुछ लोग यहीं पे आके दुकान करते हैं, अपना सामान लाते हैं, बेचते हैं, उसी सामान के पैसे से अपना जरूरत की चीजें खरीद के ले जाते हैं। तो चलिए दिखलाता है रुपए का होगा। और यह इधर देसी केला भाई साहब, तो ऑरेंज लगी हुई है और इधर देखो काफी सारे ग्रामीण खरीद फरोख्त करते हैं, काफी सारे लोग घूम रहे हैं, भीड़ भी है बहुत ज्यादा, चलो इधर जाके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे है ये है प्याज वाला भाजी, कितने का है? 10 रुपीज की एक बंडल, आपको 10 रुपए मिलेगा। ये है दोस्तों ऑनियन वेजिटेबल, काफी ग्रीनरी क्लोरोफिल से भरपूर है, ये 10 रुपए में है। इधर काफी सारे ग्रामीण मतलब घूम रहे हैं मार्केट में। घर का उगाया हुआ है ना? सो गाइस घर से उगाया वाला हुआ है, एकदम ऑर्गेनिक है ना, पूरा नेचुरल है, बिना खाद का हुआ, घर का उगाया हुआ है, एकदम क्या बोलना चाहिए विटामिन से भरपूर, 20 रुपए मिल रहा है भरपट्टी। और इधर क्या बोलना चाहिए पत्ता गोभी है, धनिया है, और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। सो गाइस पास में ही है, मतलब ज्यादा दूर से नहीं आए, देखते हैं और कितने दूर दूर से लोग आते हैं उन लोग। ये कांदा, ये टमाटर कितना है केजी? 10 रुपया केजी गैस, टमाटर का चल रहा है 10 रुपये। और इधर है और वह है दोस्तों बीट रूट्स, 20 रुपया केजी मिल रहा है दोस्तों आपको गोभी, और उसके पत्ते हैं इधर। और ये टिकूर है क्या? ये है टिकूर, जो पाउडर आपको दिखाया था ये है मिठाई, काफी टेस्टी मिठाई होता है। कितना में दे रहे हो इसका झिल्ली में? 10 रुपए का दोस्तों मिल रहा है, आप एक बार टेस्ट करके बताना, काफी अच्छा होता है, गर्मी उर्मी के लिए भी इसको खाते हैं और कमजोरी के लिए भी खाते हैं। सो गाइस टाइम टू सी पब्लिक रिएक्शन, आगे पीछे ताड़ते रहना, मैं थोड़ा सा पब्लिक रिएक्शन दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग है आइसक्रीम, कितना शुरू है? 5 स्टार्ट है ना। सो गाइस 5 रुपए से आपका आइसक्रीम स्टार्ट है, 5 रुपए 10 रुपए आप रेंज बढ़ा सकते हो। कुछ ट्राइबल एरिया की टेबल्स फूड, काफी सारे चीज कवर करने वाले आज के इस वीडियो में, बने रहिए आप। ये है भाई फूल गोभी, कितने का है भाई? 3 तक। सो गाइस 1 2 3 3 है, मतलब 30 रुपए का है। और इधर धनिया है। सो गाइस कहीं पे पेंस स्टोर है और कहीं से दुकान है, इधर काफी सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। देखो ये है लाल बाग, कितना दे रहे हो? 10 रुपए का ये। सो गाइस ये मिल रहा है 10 रुपए का 4 पीस, काफी ग्रीनर से भरा हुआ है, एकदम ताजा दिख रहा है। और लाल भाजी, ये है ओनियन, और भाई इधर काफी ज्यादा है, इधर है टमाटर और बैंगन, बैंगन का सेम चल रहा है भाई। ये है सेमी, हाँ ये सेमी, और
तो गाइस ये जो कांदा है, आलू कांदा है ना, उबाला हुआ है, काफी टेस्टी होता है। ये वाला एक बार जरूर खाइएगा, काफी टेस्टी होता है और एकदम कोई केमिकल नहीं होता। अरे इसका जो पौधा होता है ना, पेड़ जैसा होता है। इधर कुछ नहीं है, सिर्फ फैंसी वाला सामान है। हम करेंगे पूरा विलेज वाला सामान का एक्सप्लोर। इधर चल के देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलती है। अदरक है इधर और लहसुन। अरे कंपटीशन होता है यहाँ भी भीड़ भाड़ में। 120 रुपीस लहसुन का केजी चल रहा है गाइस। इधर भी ड्राई पीस है। कितने का है? 10 है। कितने का है? 20 अरे यहाँ पे आप गोभी लगी हुई है, पत्ता गोभी लगी हुई है, उधर करेले लगे हैं, थोड़ा वो भी जान। देखो काफी सारे ग्रामीण परचेस कर रहे हैं। तो गाइस करेला मिल रहा है 20 रुपए में आपको, और इधर है ऑनियन भाजी और भाई खट्टा भाजी देख लो। कितने का है ये? कितने का है? गाइस यहाँ पर खट्टा भाजी मिल रहा है 10 रुपए में। काफी ग्रीनरी होता है, इसका भी टेस्ट रेड आंट जैसा। उधर जाके देखते हैं उधर क्या कुछ देखने को मिलती है। और इधर भी काफी सारे दुकान लगी हुई है मेरे भाई। इतना सूखे वाले नारियल है, इसका छिलका नहीं निकाले। कांदा है और इधर भी जो खट्टा भाजी है। कितने का है? एक 20 रुपए। एक ड्राई पीस मिल रहा है 20 रुपए का। ये सब 20-20 का है क्या? ये 50 का, ये 50 का है, 50 रुपए का। काफी टेस्टी होती है सूखा वाला। अगर आप लोगों ने कभी खाया होगा तो बताना, आपके साइड मिलता होगा भी बताना, नहीं मिलता होगा भी बताना। और देखो यहाँ पे भी है, काफी छोटा छोटा है। आप क्या जाके देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है, आप बने रहिए। आलू वड़ा जो कि काफी ज्यादा टेस्ट होता है, मेरा फेवरेट। अगर आप लोग कभी खाने का मौका मिले तो जरूर खाने का। ये तो लोकल हर जगह मिल जाते है ना। ये क्या है? ये कौन सा गाइस? इस प्रकार का आप लोग लौकी देखे थे क्या? मैं तो नहीं देखा था। इस प्रकार का लौकी आप लोग देखे थे कि नहीं देखे थे, मुझे पता नहीं। और भाई साहब ये काफी सारे यहाँ पे चन्ने लगे हुए हैं, ये देख सकते हो एकदम कच्चे वाले चन्ने। इधर लाल भाजी है, मूली है, ऑनियन भाजी है, करेले और आलू। देखते हैं कितना केजी है। 20 रुपीस दोस्तों पोटा केजी। नया वाला है ना? नया वाला है। ये भजिया बोलते हैं दोस्तों, ये आलू की बनी होती है और वो काफी हार्ड होता है भाई। और समोसे उधर भजिया है। काफी सारे यहाँ के लोकल में यही सब चलता है। आपके यहाँ क्या चलता है बताना मुझे। यहाँ पे है न्यू वाला आलू। कितना? 20 रुपए है। 20 रुपीस। ये है कांदा, लाल भाजी, आपका भाई जामुन। ये है छोटा छोटा वाला देसी वाला टमाटर। 10 रुपीस का। इधर है भाई ड्राई पीस जो कि शायद 20 रुपीस का होना चाहिए या फिर 50 रुपीस का होना चाहिए। कांदा, कांदा काफी सारे अवेलेबल है इस मार्केट में। देखो यहाँ पे भी कांदा, मतलब लगता है यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है गाइस वो कांदे का होता होगा। गाइस आज अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ बस्तर बियर, मोस्ट पॉपुलर मोस्ट ट्रेंडिंग बस्तर बियर। एंड मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाके देख लेना कैशलेस मिले। चलिए हम दिखलाते हैं बस्तर बियर मोस्ट पॉपुलर। कितना है बोतल? 30। अरे ये दोस्तों छोटा पैक बड़ा दामा का 30 रुपए मिल रहा है। महुआ का रस जो कि, और ये कितने का है? 60 रुपया। ये है 30 रुपया, इसका छोटा वर्जन ये है। यहाँ पे काफी सारे लगा हुआ है दोस्तों। ये जो होता है पूरा महुआ के रस से बनाते हैं और इनसे इनका रोजगार हो जाता है, इनका घर के चीजें खरीदने के लिए इनके पैसे का जुगाड़ हो जाता है। ये क्या है, लंदा है कि सल्फी है? लंदा। खोल के दिखाओ ना। तो गाइस ये है लंदा जो कि दिखा। ये चावल से बनता है, ठीक है दोस्तों, ये चावल से बनता है। और क्या बोलना चाहिए, ये देखो गाइस ये भी है। कितना है बोतल? 60 रुपए। ये अभी दिखाया हूँ बस्तर बियर का, जितने भी थे छोटा भाई। देखो भाई साहब, और ये है भाई उबले हुए अंडे जो कि बस्तर बियर के साथ यूज करने वाले। चलो बड़े बड़े मछली। कितना है केजी? ये वाला? ये 150 वाला। और ये 150 रुपीस केजी। और ये है 170। और ये वाला? ये सब का अलग अलग है ना, काफी बड़ा दिख रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा मछली हो। सो आपके यहाँ क्या प्राइस चल रहा है बताना, और आसपास के वाले तो आ ही सकते हो मार्केट। मैं जैसे कि पहले बताया साप्ताहिक मार्केट है तो मंगलवार को लगता है। तो ये सब चीज मछली वेजिटेबल्स जो चाहिए आप खरीद सकते हो, काफी सारे दुकान अवेलेबल है, काफी बड़े बड़े दुकान से है। बस्तर बियर का छोटा भाई। और ये बोतल में भरते हुए
सो गाइस ये एकदम शरीर के लिए एकदम बेनिफिशियल होता है, चावल से बनता है, इसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया गया है ना, एकदम समझ जो चावल से बनता है तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काफी एनर्जी। दो गिलास पी दोगे तो आप खाना खा नहीं पाओगे, इतना शक्ति इसमें मिल जाता है। मार्केट इस वीडियो को मैंने आपको दिखाया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी आसपास जो पावड़ा विलेज है, कोंडा गांव है और परस गांव, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपके जगह को एक्सप्लोर किया, काफ़ी खूबसूरत सा विलेज है पावड़ा, और काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा चीज़ जो आपके विलेज में देखने को मिली। वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना नहीं हो, अगर नए आ रहे हो चैनल में तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे ऐसी नए अमेजिंग दासू वीडियो में, और हम ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं दोस्तों, और मार्केट ट्राइबल एरिया और रूरल इलाका एक्सप्लोर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मचाते रहो, जहां भी रहो शानदार रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग जब वीडियो शूट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से चन्ना उन्ना चबाते हैं, ले रखे हैं हम लोगों ने, क्या कांदा बता रहा हूँ, वही कांदा जो आपको मार्केट वाले व्लॉग में दिखा रहा था। तो इस खुशी के लिए भाई लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो सभी के चेहरे में हंसी है, सिर्फ कांदा खा तो आप भी कांदा खाओ भाई, एक लाइक तो बनता है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, काफी दूर से आए हैं, तो चलिए मेरे साथ आप भी खाइए चन्ना।